अभी तक किस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग में आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली अकासरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रिंग साहब एपी। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन 100% डिसिप्लिन, खड़गे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनी बडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करेंगे। बड़िंग साहब रखी गई है, आपने देखा होगा पहले भी खड़गे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रखते हैं, स्ट्रैटेजी मीटिंग। स्ट्रैटेजी मीन कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में प्रदेश को चलाना है और जो पार्लियामेंट दे जिहड़े चुनाव है उन्होंने उत्ते किस तरह असी आने वाले समय च काम करना, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रांग करना है, इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं, जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुनेंगे। कपूरथला में जो आपकी कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा, तो क्या आवाज उठाएंगे आप? देखो कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ था, मुल्लापुर में जगराओं में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम जरूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से।